मेरा जो आइडिया है वो ये है कि खाना गंदा नहीं है, आप उस खाने को कैसे मैनेज कर रहे हैं। हम सबकी बॉडी एक मशीन है जिसे चलने के लिए कैलोरीज चाहिए। ये राउंड टेबल्स का बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूँ ऐसे सेमिनार लगातार होते रहने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागिला न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ उंसिला फातिमा। इस वक्त हम मौजूद है काशीपुर के KGCCI के बिल्डिंग में, जहाँ पर ऑडिटोरियम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है कॉर्बेट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगी उसका सेमिनार रहा है, उसका टॉपिक रहा है मेकिंग फ्रेंड्स विद फूड। जैसे कि सभी के मन में जो होता है कुछ मिथ्स होते हैं फूड को लेकर कि हम ये खाएंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा, ये खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, ये खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, उसको लेकर जो है आज यहाँ पर बात की गई है। तो आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ जो है खास यहाँ पर रहा है। सबसे पहले हम सर से बात करेंगे, सर चेयरमैन है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बात करें यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया गया है, किस तरह से जो पूरा उसका रोड है? तो ये सेमिनार हमारे कोविड राउंड टेबल के एक पार्ट हैं डॉक्टर कुशाल, उन्होंने पूजा जी को पूजा श्रीनिवास जो है ये आप एक स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट है, उनको आज इनवाइट किया था एक टॉक देने के लिए फूड के ऊपर। तो डिस्कशन ये था कि जैसे हम कई सारी चीजें सोचते हैं कि डेली लाइफ में कि ये हमारे लिए अनहेल्दी है, तो क्या वो एक्चुअल में अनहेल्दी है या उनके हमारे को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, और अगर हम कुछ अनहेल्दी फूड खा भी रहे हैं तो फिर हमारे को नेक्स्ट मील ऐसे प्लान करना चाहिए कि वो हमारा वो चीज़ उससे बराबर हो जाए। तो मतलब एवरीथिंग इन मॉडरेशन, और बाकी ये है कि फूड को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करा जाए, दैट वॉज द टॉपिक ऑल्सो। एंड फूड को फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए, अगर आप जो भी खा रहे हो कैलोरी काउंट करके, और कैलोरी डेफिसिट अगर आपको जाना है वेट लॉस के लिए तो वो एक्सरसाइज से जाइए रादर देन कटिंग डाउन। जैसे कि सर ने बताया कि अगर आप कुछ ऐसा खा भी रहे हैं जो आपको पसंद है और आपको लगता है कि वो अनहेल्दी है, तो भी आप जो है अपनी डाइट को बैलेंस करके उस चीज को जो है मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ मैम मौजूद है जो की स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है, मैम से बात करेंगे। हाय पूजा मैम, बात करें आपने इतना अच्छा जो है सेमिनार आज कंडक्ट किया है, आपने बताया अगर आप आलू के पराठे खाते हैं तो वो भी आपके लिए अनहेल्दी नहीं है, तो हम ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? देखिए इंडिया में पर्टिकुलरली हमारा जो खाने के साथ रिश्ता है वो हमेशा एक बहुत डेलिकेट बैलेंस रहा है। हम बहुत जल्दी खाने को दो टोकरे पर बना के रखते हैं और हम खाने को अच्छा खाना और गंदा खाने के टोकरे में डाल देते हैं। मेरा जो आइडिया है वो ये है कि खाना गंदा नहीं है, आप उस खाने को कैसे मैनेज कर रहे हैं। हम सबकी बॉडी एक मशीन है जिसे चलने के लिए कैलोरीज चाहिए, आप कैलोरीज की क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं और आप उसके साथ खुश भी रह रहे हैं, वो खाना आपको हैप्पीनेस दे रहा है। उसका काम है लोगों को जोड़ना, राइट। शादियां आप कुछ भी देख लीजिए, हमारे यहाँ का कोई भी कल्चर है वो पीपल कम टुगेदर फॉर फूड, राइट। तो वी कैनॉट हैव दिस रिलेशनशिप। तो मेरा अटेम्प्ट यही था कि मैं लोगों को फूड के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बता सकूं, ना कि वेट लॉस या कुछ ऐसा। जी हाँ, वही हमारे साथ मैम मौजूद हैं जो कि गर्ल्स विंग की चेयरपर्सन है, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, मैम से बात करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, आज पूजा जी ने बहुत ही हमको इन्फॉर्मेटिव पूरा एक स्पीच और सब कुछ बताया, हमारे फूड मिथ्स इतने सारे बस्ट करे हैं कि भाई बहुत बार होता है कि आप कुकिंग ऑयल की यूज कर रहे हो, उन्होंने बताया कि कुकिंग ऑयल ठीक है, आप बेसिकली भी यूज करिए मगर कुकिंग ऑयल में भी कोई खराबी नहीं है। आप ब्रेड आपके लिए कौन सी सही है, शुगर आपको खानी है नहीं खानी है, क्यों अपनी हैप्पीनेस फील करनी है कि मैं आज ये नहीं खाती कल ये खा के देख लूंगी। सो ये सब जो हमारे मिथ्स आज बस्ट हुए हैं उससे काफी ज्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है। थैंक यू सो मच, दैट इज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी नाइस। टोटली सर से बात करेंगे, सर आज जो पूरा सेमिनार रहा है किस तरह का? ये राउंड टेबल्स का बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूँ ऐसे सेमिनार लगातार होते रहने चाहिए ताकि स्पेशली महिलाओं को जो है थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज मिलेगी इससे, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा प्रयास जो तो लगा है और सबको पसंद आएगा। मैम आपने भी अटेंड किया है, क्या कहना चाहेंगे? इट वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी वेल प्लान्ड इवेंट, थैंक यू। नाइस मैम, तो कौन से वो ऐसे मित्र रहे हैं जो आज आपने यहाँ सेमिनार अटेंड करने के बाद आपके चेंज हो गए? इफ यू ईट मोर कार्ब्स यू हैव टू वर्क आउट मोर, दैट इज द फंडा, बेसिक फंडा है। बट व्हाट यू ईट इन डे टाइम यू कैलकुलेट योर कैलोरीज एंड देन वर्कआउट, द वर्कआउट इज द बेस्ट थिंग टू डाइजेस्ट। इफ यू
digestive system allows. And if your digestive system doesn't allow, you can't eat anything more. Okay. हमारे साथ डॉक्टर कुशाल मौजूद है, सर से बात करेंगे. सर, कितना अच्छा सेमिनार रहा है और काफी कुछ जो है हमें भी सीखने को मिला है, क्या कहना चाहते? ये जो हम लोगों ने कॉबेट आउट टेबल के माध्यम से किया, मिस पूजा के सौजन्य से हम लोग कर पाए, सीआरटी के तौर की तरफ से हम लोग कर पाए, केजेसीसीआई ने हमें सपोर्ट किया अपना चेंबर देकर, वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. आज ये हमारी सोसाइटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि हमारा रिलेशनशिप हमारे फूड के साथ कैसा है. हम ज्यादातर जो फूड को देखते हैं हमें लगता है कि हमारा दुश्मन है, हमें इसे अपने नॉर्मल रूटीन से काटना है. पर आज की सेमिनार से हमने ये सीखा कि हमें ये इसको अपने दोस्त की तरह देखना है और इसका रिलेशनशिप अपने एक दोस्त की तरह रखना है, कि अगर थोड़ा सा ज्यादा समय बिता लिया इसके साथ तो कहीं पे हमें इसे कॉम्पनसेट करना सीखना चाहिए. तो ये था पूरा का पूरा एक रोड मैप जो हमने आपको बताया कि किस तरह का जो आज का सेमिनार है वो रहा है. जैसे कि सभी ने बताया कि अगर आप आलू के पराठे, छोले भटूरे या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको पसंद है, आप मीठी चाय पीते हैं, चीनी वाली चाय पीते हैं, तो वो आपके लिए अनहेल्दी बिल्कुल नहीं है. आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपनी डाइट को जो है मैनेज करना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर्स ऐड करके. तो ऐसे किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे. तब तक मैं आपसे बता देती हूँ अपने सहयोगी मालिक गुप्ता के साथ मंजिला पाते.